मुझे हुक्म दिया गया है कि तलबा को हदीस की इजाज़त दी जाए। भाई सच्ची बात तो यह है कि मैं इसका अहल नहीं हूँ, अपनी ना अहली का सबके सामने इकरार करता हूँ, लेकिन बड़ों ने कहा है कि अल अमरु फौकल अदब, हुक्म जो होता है ना वो अदब के ऊपर फायक होता है, लिहाजा इतना अर्ज कर दूं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इल्म हासिल करने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया। हुआ इस तरह कि मैं स्कूल में पढ़ता था, 2 महीने की छुट्टियां आईं तो मेरे भाई ने मुझे मदरसे में दाखिल करवा दिया। वहाँ पे मैंने कुरान मजीद हिफ्ज करना शुरू कर दिया। अल्लाह की शान देखें कि 2 महीने में मैंने 4 पारे हिफ्ज कर लिए। मेरे उस्ताद का नाम था कारी गुलाम रसूल साहब, मोमिनपुरा मस्जिद में मदरसा था, मैं वहाँ रोज़ाना जाता था। वो मुझसे बहुत खुश होते थे और कहते थे कि तू इतना ज़हीन बच्चा है कि तू 1 साल से कम अरसे में पूरा कुरान याद कर लेगा। मेरा दिल बड़ा खुश था कि मैं हाफिज बन रहा हूँ। जब 2 महीने की छुट्टियाँ आईं तो मेरे भाई बड़े टीचर थे स्कूल में, मुझे कहने लगे चलो स्कूल। मैंने कहा मैंने तो मदरसे जाना है। उनका नहीं नहीं स्कूल मेरे साथ जाना है। अब उनके डर की वजह से मैं स्कूल तो चला गया लेकिन दिल मेरा गमजदा था। तो वापस आके मैं अम्मी के सामने बड़ा रोया, मैंने तो मदरसे पढ़ना है और भाई मुझे स्कूल लेके जाता है। तो अम्मी ने भाई को कहा कि इसका दिल जब मदरसे में लगता है तो इसको क्यों स्कूल लेके जाते हो। उसने कहा मैंने दीन का इल्म पढ़ने से इसको मना नहीं किया, स्कूल पढ़े और उसके साथ साथ दीन भी पढ़े। फिर भाई मुझसे पूछने लगे तुम्हारे कितने सब्जेक्ट हैं। मैं स्कूल की इब्तदाई क्लासों में था, मैंने कहा जी कि हमारे 8 सब्जेक्ट हैं। कहने लगे अच्छा 8 सब्जेक्ट स्कूल के हैं और 9वां सब्जेक्ट तुम्हारा दीन का इल्म है, तुम 9 सब्जेक्ट पढ़ो और तैयारी करो। मैंने कहा मैं कैसे पढ़ूंगा। कहने लगे इंतज़ाम उस्ताद का मैं कर देता हूँ, तुम पढ़ना और उसका भी इम्तहान पास कर लेना। चुनाचे हमारे शहर में एक बड़े मुफ्ती थे, हज़रत मुफ्ती वलीउल्लाह उनका नाम था, मुफ्ती आज़म जंग उनको कहा जाता था। वो भाई के दोस्त थे। उनको मेरे भाई ने कहा कि मेरे भाई को दीन के इल्म पढ़ने का शौक है तो आप इसको शाम के वक्त 2-3 घंटे दीन पढ़ा लिया करें। उनका बहुत अच्छा, उन्होंने मुझे फारसी से सबक शुरू करवाया, पंदनामा से उन्होंने शुरू करवाया और मुझे लगता है कि पंदनामा पढ़ाकर उन्होंने मुझे आधे से ज्यादा तसव्वुफ उस उम्र में सिखा दिया था। फिर उन्होंने मुझे गुलस्तान पढ़ाई, बोस्तान पढ़ाई, फिर सरफनाव शुरू करवाई तो माला बुद्धा मैन उन्होंने भी पढ़ाई। शरा मियात आमिल तक मैंने पूरी किताबें उन मुफ्ती साहब से पढ़ी थी। फिर इस दौरान मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा तो मेरा जो तालीमी सिलसिला था वो फिर मुनक़ते हो गया। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद दिल में एक शौक तो था ही सही कि मैंने किताबों को जारी रखना है, तो मैंने यूनिवर्सिटी के करीब लाहौर में पता किया कि कोई मदरसा हो तो वहां एक मोहल्ला है बेगमपुरा, यूनिवर्सिटी की बिल्कुल दीवार के साथ है, वहां पे एक मदरसा था। मैं उस मदरसे में गया तो चित्राल के उलमा थे जो शेख हदीस थे और वहां पर मुहतमिम थे। मैंने उन्हें कहा जी कि मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूं मगर मुझे दीन पढ़ने का शौक है, तो अपने शहर में तो मैं उस्ताद से पढ़ लेता था, यहां मेरा कोई वाकिफ नहीं है, मैं शाम को आ जाया करूंगा, आप अपने मदरसे के उस्तादों को कह दें कि वो मुझे सबक पढ़ा दिया करें। वो बड़े खुश हो गए। उनके लिए ये एक अजूबा था 1971 में कि एक यूनिवर्सिटी का लड़का मदरसे में पढ़ने के लिए आ रहा है। तो मैं हर रोज शाम को 3-4 घंटे के लिए चला जाता था और मुख्तलिफ उस्तादों से मुख्तलिफ किताबें पढ़ता था। जमात में बैठकर पढ़ने का मौका तो ना मिला लेकिन उस्तादों से किताबें पढ़ी, ये पक्की बात है। अल्लाह की शान देखें कि जब मदरसे के इम्तहान हुए तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी मैंने सुना है कि वफाकुल मदारिस के इम्तहानात होते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आने वाला लड़का हूं तो अगर आप इजाजत दें तो मैं भी इम्तहान दे के पास हो जाऊं।
वो मुझे कहने लगे कि हमने भी कोई इम्तहान पास नहीं किया, उस्तादों से पढ़ा है, तुम्हें पर्चे की जरूरत है, सनद चाहिए, कागज की जरूरत है या इल्म की जरूरत है? हमने कहा भाई इल्म की जरूरत तो है, लेकिन अगर सनद हो जाए तो और अच्छा होता है। कहने लगे अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो वफाक वाले हैं इन्होंने किस वफाक के तहत इम्तहान पास किया है? उनका सवाल ऐसा था कि वाकई मेरे जहन में ये बात आ गई कि इम्तहान पास करना कोई इतना अहम नहीं है, बस पढ़ना जरूरी है। तो मैं अपने उस्तादों से पढ़ता रहा, लेकिन मैं इसको कम किस्मती समझता हूँ कि मैंने वफाक का इम्तहान ना दिया, वरना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला मैं बच्चा था, अगर वफाक का इम्तहान उस जमाने से देना शुरू करता तो मैं पास तो हो ही जाता। होता वो है जो अल्लाह को मंजूर हो। बहरहाल मैंने अपनी किताबें पढ़ी, फिर मुझे मेरे शेख ने बताया कि तुम्हें कोई मसला पूछना हो ना तो जामिया अशरफिया में एक मुफ्ती है, उनका नाम है मुफ्ती जमील अहमद थानवी। ये वो उस्ताद थे जिन्होंने मुझे अकाबिर उलमाए देवबंद की मोहब्बत दिल में डाली। पतले से थे, जब मैं पहले दिन उनको मिलने के लिए दारुल इफ्ता में गया तो मुझे कहने लगे ये लड़के क्यों आए हो, ना अपना वक्त जाया करना ना मेरा वक्त जाया करना, काम की बात पूछो। मैंने कहा कि हजरत मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, मुझे मसले मसाइल पूछने पड़ते हैं, आप इजाजत दें मैं आपके पास आ जाया करूं और मसाइल पूछ लिया करूं। कहने लगे अच्छा ठीक है आ जाया करो, मैं आपको 5 मिनट रोजाना दे दिया करूंगा। अब मैं पहले दिन आया तो मुफ्ती साहब ने मुझे 5 मिनट दिए, तो मैंने बैठते ही उनसे सुन्नतों के बारे में पूछा। मैंने कहा हजरत मेरा दिल चाहता है मेरी जिंदगी का हर अमल सुन्नत के मुताबिक हो, तो मुझे बताएं खाने की सुन्नतें क्या होती हैं, लिबास की सुन्नतें क्या हैं, मामलात की सुन्नतें क्या हैं, मैं जिंदगी पूरी सुन्नत के मुताबिक गुजारना चाहता हूं। अब ये मेरी बात सुन के मुफ्ती साहब का दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया। कहने लगे अच्छा फिर मैं तुम्हें 5 मिनट की बजाय 15 मिनट दे दिया करूंगा, और देखो तुम रोजाना आया करो और दारुल इफ्ता के इस कोने में बैठ जाया करो, मैं तुम्हें देखता रहूंगा, जब मैं फारिग होऊंगा तो अपने पास बुला लिया करूंगा। मैं फिर चला जाता और दारुल इफ्ता के कोने में जाके बैठ जाता, मुफ्ती साहब मुझे देखते, फिर कभी मुझे इशारा करते आ जाओ तो मैं जाता, तो मुफ्ती साहब फिर मुझसे पूछते क्या पूछना है, मैं पूछता तो मुफ्ती साहब फिर मुझे बताते समझाते रहते, फिर जो बात खुली तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 15 मिनट की बजाय घंटा 2 घंटे पे बात जा पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह उन मुफ्ती साहब की बातों से अल्लाह ने मेरे दिल में अकाबिर उलमाए देवबंद की मोहब्बत भी पैदा की और इल्म की अहमियत और तकवा की अहमियत भी पैदा की। दीन का जो रंग चढ़ाना सही वो उससे पहले नहीं चढ़ा था, उनकी सोहबत की वजह से चढ़ा। खैर बुखारी शरीफ की जो किताब है वो मेरे उस्ताद ने हजरत मौलाना जाफिर साहब मोहम्मद जाफिर, वो हाफिजुल कुरान भी हैं हाफिजुल बुखारी भी हैं, उनसे मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी। और वैसे मेरे अमूमी उस्ताद जो हैं वो हैं हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब दामत बरकातहुम, वो इस वक्त हमारे महदुल फकीर के शेखुल हदीस भी हैं, मेरे और मेरे बच्चों के वो उस्ताद भी हैं। मैंने जिंदगी में कोई मसला भी पूछना हो तो मैं जहां कहीं भी दुनिया में हूं फोन करके उन्हीं से पूछता हूं, कोई बयान तैयार करना हो तो मैं बयान लिखता हूं और लिख के उनको दिखाता हूं, अगर वो कुछ तरमीम तनसीख कर देते हैं तो बहुत अच्छा, अगर कह देते हैं कि ठीक है तो मुझे तसल्ली होती है अब मैं जो बात कर रहा हूं ये बात ठीक कर रहा हूं। तो जिंदगी के उस्ताद वो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के साथ ये एक ताल्लुक रहा और अल्लाह ने ये किताबें जो दरसे बुखारी तक थीं ये सारी पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। फिर उसके बाद 2 मदारिस से मुझे एजाजी सनद भी मिल गई। एक मदरसा है उसका नाम है जामिया रहमानिया जहानिया मंडी में, वो हजरात मोहब्बत करते थे और अक्सर इफ्तिताह बुखारी इख्तिताम बुखारी पे मुझे बुलाते थे, तो मैं भी हर साल चला जाता था बयान करके आता था। एक दिन बयान किया तो मोहतमिम साहब मुझे कहने लगे हजरत आपने जाना नहीं, हमने दस्तारबंदी करवानी है। मैंने पूछा उस्तारबंदी किस खुशी में? कहने लगे बस आपको एजाजी सनद देनी है, शुरा ने फैसला कर लिया है। तो मैंने कहा मोहतमिम साहब मैं तो तालिबे इल्म नहीं हूं, मुझे क्यों सनद मिलेगी?
ये ठीक तो नहीं होगा। कहने लगे देखें ये रजिस्टर है, मैंने तलबा में इस साल सबसे पहले तलबा में आपका नाम भी लिख लिया था, आप पूरा साल तबलीग करते फिरे और मैं आपकी हाजिरियां लगाता रहा, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि आप पहले दिन से लेके आज तक हमारे मदरसे के तालिब इल्म हैं और आपकी हाजिरी लगी हुई है। अब शुरा ने यह फैसला किया है कि आपको एजाजी सनद दे दी जाए, चुनाचे उन्होंने एजाजी तौर पर मुझे आलमिया की सनद जामिया रहमानिया से दी। मैं उसको अपने लिए उलमा की एक तस्दीक समझता हूं, बरकत समझता हूं। फिर उसके बाद कासिमुल उलूम मुल्तान हजरत मुफ्ती मोहम्मद एक मारूफ इदारा है, तो उसके मोहतमे में एक मरतबा तशरीफ लाए, मुझे फरमाने लगे कि मैंने आपके रशिया के हालात पढ़े हैं जो आपने वहां जाके काम किया, और मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है और मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको अपने जामिया की तरफ से एजाजी सनद दूं। तो उन्होंने भी एजाजी सनद लिख कर दी। अलबत्ता जो होता है ना कि सनद छोटी हो और आली हो, उसमें भी अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाई, मुझे चंद मौके मिले जिससे मुझे आली सनद की इजाजत बुजुर्गों ने दी। पहली सनद तो थी जब दारुल देवबंद साजिश का जाना हुआ, तो वहां के एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी, ये कारी मुतैयब रहमतुल्लाह के साहबजादे थे और दारुल देवबंद के ये मुहतमिम भी रहे। बाद में इन्होंने अपना इदारा बनाया दारुल देवबंद वक्फ के नाम से। उन्होंने अपने घर दावत दी, हम खाने पे गए, वहां पर खाना खाने के बाद मुझे कहने लगे पीर साहब, वो मुझे पीर साहब, देवबंद के सारे उस्ताद इसी नाम से मुझे पुकारते हैं, पीर साहब पीर साहब। कहने लगे पीर साहब मेरे साथ आए, मैं उनके साथ गया तो मुझे अपने घर के कमरे में ले गए, कहने लगे पीर साहब इस चारपाई के ऊपर बैठे। मैं बैठ गया, मुझे कहने लगे आपको पता है मैंने आपको इस चारपाई पर क्यों बिठाया है? मैंने कहा हजरत मैं उन पीरों में से नहीं हूं जिनकी बिलियां भी इल्म गैब जानती हैं। तो हंस पड़े, कहने लगे ये कमरा हजरत मौलाना कासिम ननौती रहमतुल्लाह अलैह का है और ये चारपाई उनकी चारपाई है, और मेरा दिल चाहता था कि मैं आपको हदीस की इजाजत इस चारपाई पर बिठा के दूं। चुनाचे उन्होंने हदीस की इजाजत दी। वो चूंकि दारुल देवबंद के मोहतमिम थे और बड़े बुजुर्गों से उनका ताल्लुक रहा, तो उनकी सनद आली थी, तो अल्लाह ने एक आली सनद अता फरमा दी। फिर एक दूसरा मौका मिला, वो भी अजीब था, हज का मौका हुआ। तो हज के बाद हम कुछ दिन हरम के अंदर मुकीम थे, असर की नमाज मैंने पढ़ी तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग थे, बहुत ही पतले दुबले, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, यानी उनको देख के ना बंदे को गर्दान याद आती है, इख्तसर तो वो एक जगह बैठे और उनके गिर्द सुर्ख ये जो रुमाल होते हैं ना अरबों के, खास तौर पर सऊदी अरब वालों के, चंद तलवा ने ये जो है ना बांधे हुए थे, और उन्होंने अपनी बगलों में हदीस पाक की किताबें उठाई हुई थी। अच्छा, जिन्होंने हदीस की किताबें पढ़ी हुई हो ना, उनको एक नजर से पता चल जाता है कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी की किताबें हैं और ये मदरसे की किताबें हैं, एक नजर में पता चल जाता है। तो मुझे पता चल गया कि ये हदीस की किताबें हैं। अब वो घेरा बना के बैठ गए तो मैं भी थोड़ा करीब हो गया। एक बच्चे ने बुखारी शरीफ की पहली हदीस की तिलावत की, बाब कई फकान अबादुल वाहिये, और फिर इन्नमल आमाल बिनियात वाली हदीस पढ़ी। तो उन बुजुर्गों ने उन तमाम को हदीस की इजाजत दी। मेरे दिल में ख्याल आया कि जिस बुजुर्ग से हरम में ये लोग हदीस की इजाजत ले रहे हैं वो कोई बड़े बुजुर्ग होंगे। उनके साथ उनका एक नौजवान खादिम था, तो मैंने खादिम से पूछा कि ये बुजुर्ग कौन है? उसने कहा जी इनका नाम है अहमद अली, ये इंडिया के आलिम है, मगर इनकी जिंदगी ज्यादा यूके में गुजरी है और ये वहीं रहते हैं। मैंने कहा ये हदीस की इजाजत, कहने लगे इनकी हदीस की सनद बड़ी आली है। तो मैंने पूछा भाई कितनी आली है?
कहने लगा इतनी आली है कि आपके तकी उस्मानी साहब भी इनसे इजाजत के लिए यूके इनके घर आए थे। मेरे लिए तो इतनी बात ही सनद थी। हजरत शेखुल इस्लाम जो हमारे सरों के ताज हैं, जब वो भी हदीस की इजाजत के लिए उनके पास गए तो इसका मतलब है कोई बड़ी आली सनद होगी उनकी। तो मैंने उससे कहा कि यार मैं भी एक तालिब इल्म हूं, क्या मुझे हदीस की इजाजत मिल सकती है? तो कहते आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम है ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी। कहते पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी? मैंने कहा जी लोग मुझे यही कहते हैं। तो उसने वहीं बैठे बैठे दूर से कहा हजरत हजरत हजरत। तो उन बुजुर्गों ने पीछे मुड़कर देखा, हजरत आपने मेरे जिम्मे लगाया था हज के लिए कि अगर इस बंदे से कहीं मुलाकात हो जाए तो जरूर मैंने मुलाकात करनी है, हजरत वो ये बैठे हुए हैं। अब जब उसने नाम लिया तो वो बुजुर्ग खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया। खैर मैंने उनके माथे का बोसा लिया मिला, मैंने उनको कहा कि हजरत मैं चाहता हूं कि आप मुझे हजीज की इजाजत दे दें। कहने लगे मैं जब हज के लिए अपने घर से चला था तो मैंने उस वक्त नियत की थी अगर मेरी मुलाकात हो गई तो मैं आपके साथ मिलकर तौबा के कलेमात पढ़ूंगा, पहले मेरी ख्वाहिश पूरी करें फिर मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अल्लाह की शान देखें जी, मैंने फिर वहीं बैठ के उनके साथ मिलकर तौबा के कलेमात पढ़े और उसके बाद उन्होंने हदीस की इजाजत अदा फरमा दी। तो ये भी एक आली सनद थी। बाद में पता चला कि उनकी जो इजाजत थी वो हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुराद आबादी के वास्ते से नबी अलैहिस्सलाम तक छोटे वास्तों से पहुंचती थी। फिर एक तीसरा मौका अल्लाह ने अता फरमाया, हम लोग तुर्की में थे तो तुर्की में एक बुजुर्ग है, उनका नाम है हजरत शेख अमीन सिराज रहमत सिराज। वो अल्लामा ज़ाहिदुल कौसर रहमतुल्लाह के आखिरी शागिर्द हैं दुनिया में। अल्लामा ज़ाहिदुल कौसर रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो इमाम वनीफ़ रहमतुल्लाह के वकील समझे जाते हैं। उन्होंने अहनाफ के ऊपर जो किताबें लिखी हैं वो बहुत ही अजीब हैं, पूरी दुनिया उनको जानती, अरब मानते हैं उसको। तो उनके आखिरी वो शागिर्द हैं जो जिंदा थे। मुझे किसी ने बताया कि जी वो बुजुर्ग जिंदा तो हैं लेकिन हुकूमत उनके साथ लोगों को मिलने नहीं देती, ज्यादा लोगों के मिलने से बीमारियां मुंतकिल होती हैं। हुकूमत कहती है कि ये हमारे पास एक नादिर नेमत है, हमने इस नेमत की हिफाजत करनी है, लिहाजा 4-5 डॉक्टर जो हैं हर वक्त उनके साथ रहते हैं और वो अपने घर में मुकीम रहते हैं, सिर्फ जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं, बाकी नमाजें घर पे शागिर्दों के साथ जमात से अदा करते हैं। अब जुमा में 2 दिन बाकी थे और हमने वहीं रहना था, तो हमने बड़ी नफल पढ़ के दुआएं मांगी कि या अल्लाह आसानी फरमा, वो आ जाएं जुमा के लिए और हमें उनसे मुलाकात का मौका मिल जाए। लोगों ने कहा कि वो आ भी जाते हैं ना तो हुकूमत ने मस्जिद में उनके लिए शीशे का कमरा बनाया हुआ है, वो आके शीशे के कमरे में नमाज पढ़ते हैं, सफों का इत्तेसाल हो जाता है, लोग उनको देख तो लेते हैं मगर उनसे मिल नहीं सकते। खैर हमने जुमा की नमाज पढ़ी, जुमा की नमाज पढ़ने के बाद मैं उनके कमरे की तरफ गया तो उनका खादिम कमरे से निकल रहा था। मैंने उसे कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूं और मैं हजरत से हदीस की इजाजत लेना चाहता हूं। उसने पूछा नाम क्या है? मैंने कहा ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी। तो उसने हजरत को जाके बताया कि जी पाकिस्तान से एक आलिम आए हैं और उनका नाम है ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी। वो फरमाने लगे हाँ ये नाम तो मैंने पहले भी सुना हुआ है कि रूहानियत मशाइख की दुनिया में ये भी एक नाम है और मैं भी चाहता था कि मेरी मुलाकात होती तो मेरी मुलाकात करवाओ। अब वो हजरत अंदर से कमरे से बाहर निकलने के लिए आ रहे हैं और मैं बाहर से जा रहा हूं उनसे मिलने के लिए। दरवाजे के ऊपर 2 दख्तूर आ गए, उनका जी नहीं आप नहीं मिल सकते, ये बंदा पाकिस्तान से आया है और पाकिस्तान में हाइजेनिक कंडीशन बहुत बुरी हैं और इनसे तो बीमारियां लगने का खतरा है, हम तो नहीं ये मुसीबत मोल ले सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी चाहता हूं कि मैं इनसे मिलूं तो मुझे क्यों रोक रहे हो? उनका जी बीमारी लगने का डर है। तो फिर शेख अमीन सिराज ने उनसे कहा कि देखो भाई
अगर इनके साथ मिलने से मुझे कल की जगह आज मौत आ सकती है तो मैं मरने को तैयार हूं। अब इतनी बड़ी बात करने पर वो डॉक्टर तो पीछे हट गए और उधर दरवाजे के अंदर, यानी कुछ में बाहर था कुछ में अंदर था, हजरत अंदर थे, मेरी उनसे मुलाकात हो गई और हजरत ने मुझे हदीस की इजाजत फरमा दी। फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा प्रिंटेड एक किताब दी जिसमें अलामा ज़ाहिदुल कौसरी की जो सनद है नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचती है, ये भी एक आली सनद थी जो अल्लाह ने अपने रहमत से अता फरमा दी। फिर इससे एक आली सनद अभी पिछले साल ही मुझे मिली, वो इस तरह हुआ कि हमें दावत दी गई बुखारा जाने की, कोई दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मशायख थे जिन्हें बुलाया गया था, तो मैं भी गया वहां पर। बुखारा में जो मेरे चंद मुतलकीन दोस्त थे उन्होंने मुझे कहा कि हजरत शाम के एक आलिम आए हुए हैं और उनकी हदीस की हिदायत बड़ी आली है और बुखारा के सारे उलमा उनके कमरे में जा रहे हैं हदीस की इजाजत के लिए। तो मैंने जब सुना तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा भाई व्हील चेयर लाओ और हम भी चलते हैं उनके कमरे में, हम भी जाके उनसे हदीस की इजाजत लेते हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो कहने लगे हजरत जाने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा क्यों, कहने लगे मैंने असर की नमाज जब जमात के साथ अदा की तो वो मेरे साथ थे, मुझे पूछने लगे तुम्हारा बैत का ताल्लुक किन से है, तो मैंने आपका नाम लिया, तो वो कहने लगे कि भाई मैं मुलाकात करना चाहता हूँ तुम्हारे शेख से, जब भी वो फारिग हो मुझे फ़ोन कर देना, मैं 15 मिनट के अंदर खुद पहुँच जाऊँगा। तो हजरत मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ, उन्होंने खुद कहा हुआ है वो आ जाएंगे। चुनाचे फिर हम वहीं बैठे रहे, उन्होंने फ़ोन किया और वो जो है ना वाकई 10 मिनट के अंदर तशरीफ ले आए। मैंने उनसे पूछा कि जी आपके कमरे में बहुत सारे उलमा हदीस की इजाज़त के लिए आ रहे हैं, उनका बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ने मुझे बहुत आली सनद दी है। फिर उन्होंने बड़ी तफसील से बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया में जितने इस वक्त मुहद्दिसीन हैं उनकी सनद जो पहुँचती है ना ऊपर, वो 17-18 वास्तों से पहुँचती है, किसी का 19वां वास्ता भी बनता है, लेकिन जो मेरी सनद है वो 15 वास्तों के साथ पहुंचती है। मैंने पूछा कैसे पहुंचती है, उनका कि एक बुजुर्ग गुजरे हैं डॉक्टर अब्दुल लतीफ फरफूर, जिन्होंने अलामा शामी के काम पर बहुत काम किया, फतावा शामी के ऊपर, जो मुफ्ती हजरात हैं वो खुसूसन इनको अच्छी तरह जानते हैं। कहने लगे कि उनके वास्ते से अलामा शामी रहमतुल्लाह के जरिए से मेरी सनद 14 वास्तों तक पहुंचती है और मैं 15वां वास्ता बनता हूं, और जितने लोगों को उनसे सनद हासिल थी अब वो दुनिया से चले गए, मैं आखिरी बंदा हूं जिसके पास ये आली सनद मौजूद है। फिर अल्लाह की शान देखें जी कि उन्होंने इस आजिज के साथ मिलकर तौबा के कलिमात पढ़े और उन्होंने फिर मुझे हदीस की इजाजत भी दी। मेरे ख्याल में शायद हमने जो बाद में हिसाब लगाया उनका जो यानी ये सनद है ये इस लिहाज से आली बनती है कि वो बहुत अलामा शामी रहमतुल्लाह के जरिए से नबी अलैहिस्सलाम पर बहुत जल्दी जो है जाकर मिल जाती है। तो ये 3-4 सनदें ऐसी थीं जो बताने के लायक थीं, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। बाकी ये कि अल्लाह ताला सब हजरात को नेकी तकवा की जिंदगी अता फरमाए और हमें दीन की खिदमत करने के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। इस आजिज की तरफ से जितने दौरे हदीस के तलबा हैं या उलमा हैं या फाजलात हैं या आलिमात हैं जो यहाँ इस नियत से आए हैं, उन सबको हदीस की इजाज़त है। अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाए और हमें इस दीन की खिदमत के लिए अल्लाह कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें अपने मशायख के सामने सुरखरू फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।